देखी देखी हसे ले सूरजामल भैले बरतिन के भीड़ भैले बरतिन के भीड़। तो 36 घंटे के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार सूर्योदय हो गया और जो 36 घंटे से महिलाएं निराजल व्रत रख रही थी उनका जो तप था वो अब निकल गया है। अगर दिखाएं आपको तस्वीरों में तो जिस तरीके से छठ पर्व को महापर्व बनाने की तैयारी थी उसको पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन ने पूरा किया है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो लक्ष्मण मेला मैदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ पुरुष हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें छठ की तो छठ पर्व को महापर्व बनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हमारे साथ लोक गायिका संजू सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, एक 36 घंटे का लंबा अंतराल रहा, निराजल व्रत रहा महिलाओं ने, अब सूर्योदय हुआ, सूर्य को अर्घ देके व्रत खत्म होगा, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सभी छठ व्रतियों को प्रणाम करती हूँ और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सूरज भगवान जो है पूरे वेग से मुस्कुराते हुए निकल चुके हैं और सभी हमारे छठ व्रती जो हैं अर्घ दे करके और प्रसाद बांटने के लिए वो लोग तैयार हैं। इसके बाद वो लोग व्रत का समापन करेंगी और पारण करेंगी। तो मुझे कहना है क्या, पेनी के आदित्य मल पियरिया अइले गोमती के तीर अइले गंगा जी के तीर देखी देखी हंसे ले सूरजामल भैले बरतिन के भीड़ भैले बरतिन के भीड़ केलाना रंगिया से भरला डलरिया से वना रंगिया से भरला डलरिया ले बेले आदित्य मल आरघिया उता संझिया फजीर उता संझिया फजीर देखी देखी हंसे ले आदिता मल भैले बरतिन के भी। मैम, इस पर्व को महापर्व बनाने की शासन और प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर लक्ष्मण मेला मैदान की बात करें तो लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं हैं यहाँ पे, कैसे शासन और प्रशासन को धन्यवाद देंगे? मैं शासन और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और कहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर एक एक व्रतियों का ख्याल रखा है पूरे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन चाहे जल पुलिस हो या थल पुलिस हो सब लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने पॉइंट पर पूरी तरह से मुस्तैद खड़े हैं। और इसके बाद जिस तरह से जब यहाँ से सभी व्रती घर को चले जाएंगे तो हमारे जो सफाई कर्मी हैं जो उन लोग अपना यहाँ पर योगदान देते हैं और सफाई करते हैं तो इसके लिए हम उन लोगों को बारंबार सैल्यूट करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी, क्योंकि पिछले साल कोरोना के वजह से आयोजन नहीं हो पाया था इस तरह का और काफ़ी लोगों ने मिस किया था इस चीज़ को, लेकिन इस बार का जो आयोजन है पूरे सवाब पर है। और आप सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और शासन प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इतना सुंदर आयोजन का आप लोगों ने हम लोगों को अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जो छठ पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है और शासन प्रशासन ने इस पर्व को महापर्व घोषित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ।